देखिए, मैं आज आपके पास एक नया वीडियो लेके आई हूँ। वो क्या है, आप लोग ध्यान से देखते रहना। मैं ना सरसों सुखाने के लिए हमारा यहाँ पे गांव पे इस तरह से करते हैं, नीचे वो मिट्टी को उस तरह से मैं किस तरह से करते हैं सब कुछ दिखाऊंगी। आप लोग पहले से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। उसको लिपना कहते हैं, यानी घसना कहते हैं। सरसों हम लोगों को सुखाने के लिए मिट्टी के ऊपर इस तरह से गोबर की खाद से नीचे पानी देकर उसके बाद उसको मेल्ट करके उसके बाद उसको नीचे लगा लेते हैं। और उसके बाद सूख जाएगा, उसको झाड़ू करना है, उसके बाद उसके ऊपर सरसों को सुखाना है तो मैला नहीं होता है, इसलिए इस तरह से किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखना, पहले से लास्ट तक आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए, ये है हमारा सरसों, देखिए ये सरसों है। और इसको सुखाने के लिए ये है नीचे वाला हिस्सा, देखिए इस तरह से है ये सारे, तो इस तरह से होता है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से गोबर से मैं करूँगी इस तरह से, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना किस तरह से करना है, क्या क्या सब कुछ आप देखते रहना पहले से लास्ट तक, तभी आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से काम करते हैं वो सब। तो शुरू करते हैं वीडियो को, किस तरह से होता है, क्या क्या किया जाता है वो सब आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग किस तरह से गोबर डालेंगे, उसके बाद गोबर डालने के बाद इसको मेल्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे। तो देखिए, ये है गोबर, इसको इस तरह से बाल्टी में पानी देकर उसके बाद मिला लेना है इसको इस तरह से हाथ से भी करते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये हमारा उड़ीसा में होता है, यहाँ के कल्चर इस तरह से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी डालना है, हाथ से भी करना करते हैं, लेकिन मैला नहीं होगा ना, इस तरह से करोगे तो नाखून में, इसलिए इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो देखिए, ये अच्छी तरह से मेल हो गया। अभी झाड़ू लेके इस तरह से छोटा वाला झाड़ू लेके इस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से करना है आपको ध्यान से देखते रहना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे के सारे इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से देखिए। उसके बाद इस तरह से सूख जाएगा, तभी इसको झाड़ू कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और उसके बाद इस तरह से देखिए, सूख जाने के बाद इस तरह से होता है, उसके बाद झाड़ू कर लेते हैं और उसके ऊपर सुखा सकते हो आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से किया जाता है हमारा उड़ीसा के समलपुर डिस्ट्रिक्ट है ये। तो वहाँ पे इस तरह से करके मिट्टी को साफ करके उसके बाद वहाँ पे
कोई भी चीज़ आप सुखा सकते हो, धान हो या जो भी आप सुखा सकते हो, जो कुछ भी। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।